शादी क्या बन जाए। प्रोफेसर साहब, लगता है हमारा इंतजार हो रहा था, हम आ गए। अरे आईजी साहब, अरे धन्यवाद धन्यवाद। सर्वेश्वर दयाल माथुर माननीय हमारे इलाहाबाद के आईजी हमारे सामने। अरे अरे आईजी साहब, अरे अरे आंख देख के ना एकदम मन एकदम गदगद हो गया भैया। ये समझ लो कि कितने दिन से मतलब इच्छा घूमर घूमर रही थी, आज एकदम साक्षात दर्शन हुआ, आज संयोग बना है आईजी साहब। राम जी, ये साहब कौन है? क्या कोई खास रिश्तेदार है? अरे सरकार सरकारी मुलाजिम ना, ना खास बहुत गाढ़ा रिश्तेदार है। अरे यार प्रोफेसर साहब, अरे यार हम आप परिचय करवाबो कि ना करवाबो? यार बताओ ना कि हम उतने खास रिश्तेदार है जितना ही होने जा रहे हैं, नए हम पुराने, बताओ यार। माथुर साहब, ये हमारे समधी हैं। हमारी बड़ी बेटी प्रतिज्ञा के ससुर जी। हाजी साहब, अब परिचय तो आपसे हो गया है, तब रिश्तेदारी होगी तो मजाकों का रिश्ता तो नहीं बनते। एक चीज बताओ ना यार, कि सरकार की जवानी का राज का है यार। ये उम्र में अब आप चोस्त दोस्त फेट आट एकदम, अरे कौनो आपको देखकर कहीं नहीं सकता कि आपके इतने बड़े बड़े बेटे हैं, बहुरिया हैं। अरे बच्चों को तो छोड़ो सरकार, मतलब अब वो आप ना मंडप में बैठ जाओ, नई नवील मिल जाएगी। ज्यादा तो मैं भूल गया। मथुरा बहरहाल छोड़ा आप, हम मतलब अपने ठाकुर परिवार से आपका विधिवत परिचय कराए दे, मतलब यारा सब लोग। ये है किसना बहू, हमारे प्रोफेसर साहब की बड़की बिटिया, और उनके बगल में जो है ना वो हमारे सबसे दुलारे हैं ससुर किसना बाबा। किसने बाबा के बगल में वो है हमरा ओ बैल लौंडा पार, बहुत अजीब है। ये है बाबू शक्ति सिंह, और उनके बगल में है उनकी ओ हमारी बड़की बहुरिया केसर, और केसर और उनके दोनों जने के बीच हो जो खड़ी है वो है हमारी ठाकुराइन।
वाह, पूरा मतलब ऐसे थामे रहती है, लगाम कसे रहती है पूरे घर का, मतलब होना चाहिए। अरे मुंह का देख रहे हो, पैर छू के आशीर्वाद ले ले हो। हाँ चलो। हाँ तो क्या भैया दूल्हे राजा ठीक हो ना? भाई कुछ हो, पहली बार जब तुम मिले थे ना तब हम समझ गए थे कि हाँ कनो दमदार आदमी का बेटा है। प्रतिज्ञा बेटा, आज तुम्हारे ससुर जी को क्या हो गया है? जरूरत से ज्यादा ही प्यार जता रहे हैं। पता नहीं दादी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाजी साहब बहुत दम है लवड़े में, बहुत दम है। ठाकुर साहब आप ये सब, आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? क्या आपके रोकने से वो रुक जाएंगे? जरा सुको। ए सरबत, जरा देख विकार है सरबत, रंगीन पानी बैठ जाने बैठ। सकती है अब व्यवस्था में बिलायती व्यवस्था कहाँ कट। हाँ कोमल जाओ, आरुषि को लेके आओ, सगाई की रस्म पूरी करनी। प्रतिज्ञा तुम भी जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे तो रह, यहाँ पे रहकर काम करने का मौका मिला है तो भाषा की भी सेवा करनी ही चाहिए। सर ये कुछ जरूरी पेपर्स हैं जिन पर आपके दस्तखत चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? अमन की सगाई चल रही है और आप दफ्तर का काम यहाँ ले आए, कम से कम आज तो मत कीजिए। अरे एक मिनट का तो काम है, सिर्फ साइन ही करना है। वैसे भी आरुषि के आए बिना सगाई तो होगी नहीं, जब तक ये काम निपट जाएगा। सर ये आदमी यहां क्या कर रहा है? आज की तारीख में इलाहाबाद का सबसे बड़ा क्रिमिनल यही है। मतलब तुम जानते हो उसे? कौन है ये? सर इनकी फाइल आपके पास आई तो होगी। सर ये वही क्रिमिनल ठाकुर सज्जन सिंह है। हमारा हाथ छोड़िए, आप जानती हैं हम ऐसा क्रिमिनल को यहां बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए हम जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन प्लीज अमन की सगाई हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप कर लीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। पर मैं विनती करती हूँ इस वक्त ऐसा कुछ मत कीजिए। बिल्कुल नहीं, नहीं चाहते हैं ये आदमी सगाई का हिस्सा बने। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये सक्सेना साहब के समधी है, रिश्ते में आए हैं चले जाएंगे, और वैसे भी अमन की शादी इसके घर में थोड़ी ना हो रही है, सक्सेना साहब के घर में हो रही है। प्लीज प्लीज इस वक्त कुछ मत कीजिए,
प्लीज। प्रतिज्ञा बन जाए।